मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उत्तर और पूर्वी नागपुर में भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। नागपुर शहर के चार क्षेत्रों अशीनगर, सतरंजीपुरा, नेहरू नगर और लकड़गंज में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है और अगले 48 घंटों तक प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण 15 अगस्त से अब तक नवेगांव खैरी बांध के सभी 16 गेट 1.5 मीटर से खोल दिए गए हैं। बताया गया है कि नवेगांव खैरी के गेट कम से कम अगले 48 घंटों तक खुले रहेंगे, क्योंकि टोटल डो बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे कनान नदी के निचले हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और नदी का जलस्तर भी 276 मीटर तक पहुँच गया है। मुनपा OCW कनान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रोजपीस इंटेक कुएं सूखे कुएं बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जैकवेल में पानी का बहाव अधिक होने के कारण स्कूबा गोताखोरों के लिए नदी के पानी में 10 मीटर गहरे गात को साफ करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके चलते 16 अगस्त 2022 की तड़के कनान से पंपिंग बंद कर दी गई थी। उसके बाद आंशिक पंपिंग केवल छोटे स्लॉट्स में होती है। इससे आशीनगर जोन, सतरंजीपुरा जोन, नेहरू नगर जोन और लकड़गंज जोन में रहने वाले उपभोक्ताओं की जलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसे कनान WTP फीडर से पानी की आपूर्ति मिलती है। चीफ फेड ESR के जल संसाधन विभाग की सलाह के अनुसार कनान नदी में जलस्तर 16 अगस्त 2022 की देर रात तक कम होने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।